रोमन रेंस ने लिया अपना बदला, किया किंग कॉर्बिन और गैंग को डिस्ट्रॉय। द मिज के पर्सनल गए फिंड ब्रे वाइट और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यू स्मैकडाउन लाइव के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी जोरदार रही। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों हमने रोमन रेंस का बदला देख लिया और साथ ही साथ फिंड काफी पर्सनल गए हैं द मिज के। तो बात कर ली जाए सबसे पहले सेगमेंट की, तो आज स्मैकडाउन की ओपनिंग की डॉल्फ जिगलर ने, जो कि पहले से रिंग के अंदर थे, वहां दोस्तों वो इंट्रोड्यूस करते हैं किंग कॉर्बिन को, जो कि दोस्तों वही शानदार एंट्री लेते हैं यानी कि अर्थी के ऊपर वो रिंग के अंदर आते हैं, जहां दोस्तों सिक्योरिटी उन्हें घेर लेती है और दोनों मिलकर एक प्रोमो काटते हैं। इसके अंदर दोस्तों किंग कॉर्बिन क्या चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि रोमन रेंस के प्रति डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कई चीजें टीज कर रहे हैं, रोमन रेंस अनचेन्ड एंड ऑल दैट शिट, बट सच तो ये है कि कुत्ता खुला नहीं है, कुत्ता भाग गया है। इसके बाद दोस्तों वो ये चीज कहते हैं कि जो मैंने पिटाई की, जो मैंने ह्यूमिलेट किया रोमन रेंस को बीते हफ्ते, उसके लिए जो पूरा का पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू का रोस्टर है वो मेरा शुक्रगुजार है, लॉकर रूम में मेरी काफी ज्यादा तारीफ भी हो रही है। इस पर दोस्तों जैसे ही वो कहते हैं कि द न्यू डे की एंट्री देखने को मिल जाती है, जहां दोस्तों कोफी किंगस्टन और आपके बिगी आते हैं। बिगी ये चीज कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लॉकर रूम में कोई भी तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा है। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि बातों ही बातों में द न्यू डे के मेंबर रिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहां दोस्तों किंग कॉर्बिन जो कोफी किंगस्टन है उनके टाइटल रेन का मजाक उड़ा देते हैं और कोफी किंगस्टन उन्हें थप्पड़ जड़ देते हैं। यहां लगता है कि दोनों टीम्स आपस में भिड़ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। वहां दोस्तों किंग कॉर्बिन ये चीज कहते हैं कि इस थप्पड़ का बदला आज मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा और तुझे मैं आज ह्यूमिलेट करने वाला हूं कोफी। जिसके बाद दोस्तों ये सेगमेंट भी हो जाता है खत्म और हमें बताया जाता है कि आज कोफी किंगस्टन वर्सेस किंग कॉर्बिन मेन इवेंट के अंदर होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरी थिंग जो हमें आज स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिली वो था एक और बैकस्टेज सेगमेंट, जो कि किंग कॉर्बिन का ही था, जहां ये चीज देखने को मिलती है कि किंग कॉर्बिन बैकस्टेज गए हैं, जहां उनके सिक्योरिटी गार्ड्स मरे पड़े हुए हैं, वहीं लॉकर रूम में चीजें बिखरी हुई पड़ी थी। साफ सी बात थी कि रोमन रेंस वाकई में हंट के ऊपर थे। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली वो था अलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस का मैच, जहां दोस्तों मैच से पहले ही उनके ऊपर अटैक हो गया। फायर एंड डिजायर ने गोरिल्ला पोजीशन पर उन्हें पीटना स्टार्ट कर दिया, जहां चारों महिलाएं लड़ते लड़ते रिंग के अंदर जाती है और फिर प्रॉपर मैच स्टार्ट होता है। ये मैच ज्यादा देर तक नहीं टिका दोस्तों और इसके अंदर निकी क्रॉस ने अपना फिनिशर लगाकर सोनिया डेविल की कर दी पिन और इस तरीके से यहां अलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस की जीत हुई। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली वो था बैक स्टेज सेगमेंट, जो कि था हैवी मशीनरी का। हैवी मशीनरी के ओटिस और टकर वहां खड़े हुए थे और सेमीजेन उन्हें ज्वाइन करते हैं, जहां दोस्तों जो ओटिस है वो एक गिफ्ट देते हैं सेमीजेन को। सेमीजेन जैसे उसे फाड़ते हैं उसमें से निकलता है चिकन। वहां दोस्तों सेमीजेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो लताड़ लगाते हैं ओटिस को, उनकी बेइज्जती करते हैं। जिसके बाद ये चीज देखने को मिलती है कि वहां शिंसुके नाकामुरा और सिजारो भी आ जाते हैं। सिजारो क्या करते हैं कि ओटिस का वो चिकन का डब्बा ही गिरा देते हैं, जिस पर ओटिस काफी गुस्सा आ जाते हैं। टकर कहते हैं कि गुस्सा मत करो, आज हम दोनों इस टीम को फेस जरूर करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली वो था एक टैग टीम मैच, जो कि हुआ द रिवाइवल वर्सेस आपके शॉर्टी जी एंड मुस्तफा अली के मध्य। मैच काफी बेहतरीन था और इस मैच के अंत की बात की जाए तो वो काफी ड्रामेटिक तरीके से हुआ, जहां दोस्तों मुस्तफा अली टॉप रोप से छलांग लगाते हैं कि उन्हें लगता है शैटर मशीन आउट ऑफ नोवेयर और उनकी हो जाती है पिन। इसके बाद दोस्तों हमें बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला एक और, जो कि था बेली का। बेली ने दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के अंदर दोस्तों उन्होंने आड़े हाथों लिया आपकी लेसी एवंस को। लेसी एवंस के बारे में वो चीज बोली कि लेसी एवंस पहले फौजी रह चुकी है और ये चीज लोगों को काफी ज्यादा उनके प्रति आकर्षित करती है, लेकिन मुझे उसमें कुछ भी आकर्षण योग्य नहीं लगता कि तभी दोस्तों उन्हें एक धुन सुनाई देती है, जो कि थी दोस्तों अलायस की। अलायस वहीं बजाए अपने गिटार को खड़े थे और उस पर दोस्तों बेली को आ जाता है गुस्सा। वो कहती है कि अलायस यहां मत बजाओ, कहीं और जाकर बजाओ, जिस पर दोस्तों अलायस बुरा मान जाते हैं और वो गाने गाने में कर देते हैं बेली की गंदे वाली बेइज्जती। पूरा गाना ही बेली के ऊपर डेडिकेटेड था, जिस पर डेना ब्रुक जो कि वहां खड़ी थी वो हंसने लगती है।
बेली को आ जाता है गुस्सा, वो डेना ब्रुक को कर देती है मैच के लिए चैलेंज। ये मैच दोस्तों इसके ठीक बाद देखने को मिला, जिसके अंदर शुरुआती क्षणों में तो ऐसा लगता है कि वहां डेना ब्रुक के चांसेस है, लेकिन उसके बाद बेली ने इस मैच पर आसानी से विजय प्राप्त कर ली और इस तरीके से दोस्तों डेना वहां पिट गई, मैच हो गया खत्म। बात कर ली जाए उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस उसके बाद जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली वो था शेमस का बैकस्टेज, वही ओल्ड प्रोमो। तो शेमस 2-3 हफ्तों से यही चीज किए जा रहे हैं, एक लाल सी जगह में प्रोमो काटे जा रहे हैं, फाइट करने वो आ नहीं रहे, काफी फ्रस्ट्रेशन हो रही है यहाँ मुझे भी। बात की जाए इस बारी क्या कहना होता उनका, इस बारी कहना यही था कि जो स्मैकडाउन है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, चैंपियंस काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और अब केल्टिक वॉरियर चीजें सुधारने आने वाला है। तो इस तरीके से ये चीज भी खत्म हुई और उसके बाद जो अगली थिंग थी वो था फीन्ड ब्रे वायट और द मिस का सेगमेंट। तो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, काफी डरावना सेगमेंट था एक तरीके से। दोस्तों आज ब्रे वायट बहुत ज्यादा पर्सनल गए हैं, क्या चीज देखने को मिली कि इस बार रेने यंग जो है वो द मिस के घर के ऊपर गई हुई है, घर पर गई हुई है, जहां दोस्तों दोनों के मध्य एक छोटा सा इंटरव्यू रखा गया है, वहां कैमरा क्रू बैठा हुआ है, इंटरव्यू हो रहा है। रेने यंग सवाल पूछती है कि आखिर डेनियल के प्रति इतना प्यार क्यों, क्योंकि सभी जानते हैं कि डेनियल और आप तो दुश्मन थे, जिस पर दोस्तों द मिस कहते हैं कि हाँ डेनियल ब्रायन मेरा दुश्मन रहा है, हमारी काफी लंबी राइवलरी रही, लेकिन सच बात तो यह है कि एज ए कॉम्पिटिटर मैंने उसकी काफी ज्यादा इज्जत की है और इसीलिए मैं अभी भी जानना चाहता हूं कि आखिर वो है तो है कहां। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि रेने यंग ये सवाल पूछ देती है कि बीते हफ्ते आपके साथ क्या कुछ हुआ था, क्या कहना है उसके ऊपर, यानी कि जो ब्रे वाइट ने उनकी फैमिली की तस्वीर दिखाई थी एंड ऑल दैट, जिस पर दोस्तों जो आपके दमीज है वो चीज कहते हैं कि उस वक्त फिंड ब्रे वाइट काफी पर्सनल गया, उसने कई ऐसी सीमाएं लांघी जो कि उसे लांघनी नहीं चाहिए थी, जिसके बाद दोस्तों होता क्या है कि उन्हें उनकी पत्नी की आवाज सुनाई देती है, मरीज चीखती है कि दम्बिस वहां से भागते हुए जाते हैं, वहां दोस्तों मरीज टैब के ऊपर उनकी बिटिया की वीडियो दिखाती है जो कि अपस्टेयर्स थी। वीडियो में क्या चीज देखने को मिलती है कि उनकी बिटिया एक अजीब सी डॉल के साथ खेल रही है और दोस्तों उसी बीच हमें देखने को मिल जाते हैं टैब के ऊपर ब्रे वाइट दोस्तों वहां लेट मी इन कहते हैं, दम्बिस डर जाते हैं और भागते भागते अपनी पत्नी के साथ जाते हैं अपने बेटी के कमरे में। वहां दोस्तों क्या चीज होती है कि सिर्फ डॉल पड़ी हुई होती है और बेटी भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है, वो बार बार उस डॉल की ओर उंगली कर रही होती है। दम्बिस झल्ला जाते हैं कैमरा क्रू के ऊपर और उन्हें बाहर निकलने को कहते हैं। तो गाइज इस तरीके से ये डरावना सेगमेंट खत्म हुआ, वहां ब्रे वाइट आ रखे थे और उन्होंने उनकी बेटी को डॉल पकड़ाई है। बात कर ली जाए इसके बाद क्या हो, तो इसके ठीक बाद दोस्तों हमें ब्रे वाइट का सेगमेंट देखने को मिल गया, यानी कि फायरफ्लाई फन हाउस, जहां वही डॉल उन्होंने टेबल के ऊपर रखी हुई थी। सबसे पहले दोस्तों हॉलीडेज की बात करते हैं और उसके बाद वो ये चीज बताते हैं कि जो डेनियल ब्रायन है वो अभी भी द फिंड ब्रे वाइट के साथ है, यानी कि दूसरे बेड वाले ब्रे वाइट के साथ है। और यहां दोस्तों वो ये चीज भी कहते हैं कि वो इसीलिए द मिस के घर गए क्योंकि वो हॉलीडे सीजन में गिफ्ट करना चाहते थे, और सेगमेंट हो जाता है खत्म। बात कर लीजिए इस सेगमेंट के बाद क्या हुआ, तो गाइस इस सेगमेंट के बाद हमें वो मैच देखने को मिला जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने पहले ही टीज कर दिया था, यानी कि शिंसुके नाकामुरा एंड सिजारो वर्सेस हैवी मशीनरी के मध्य। मैच काफी बेहतरीन था और इस मैच के अंदर ओटिस जो है वो काफी ज्यादा ओवर हो चुके थे, लोग उनका नाम चिल्ला रहे थे। मैच के अंदर जैसे ही ओटिस को टैग मिलता है मैच काफी फास्ट एंड फ्यूरियस हो जाता है। मैच के रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट दोस्तों उस तरीके से नहीं आता है जिस तरीके से आना चाहिए था। ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस टक्कर जो है वो शासा खा जाते हैं जो कि लगती है शिंसुके नाकामुरा की तरफ से और उनकी हो जाती है पिन। वहां दोस्तों सिजारो और शिंसुके नाकामुरा मैच में जीत अर्जित कर लेते हैं। तो गाइस इस तरीके से यह मैच खत्म हुआ, जिसके बाद हमें देखने को मिला है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि था किंग कॉर्बिन वर्सेस आपके कोफी किंगस्टन के मध्य एक वन ऑन वन मैच। तो मैच हुआ, मैच के अंदर दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिल गई कि वहां दोस्तों डॉल्फ जिगलर जो है वो बार बार उंगली कर रहे थे कि एक बारी वो पकड़े जाते हैं, जिस पर दोस्तों रेफरी कहता है कि तू बैकस्टेज चले जा, यानी कि वो वहां से उन्हें हटने के लिए कहते हैं।
वहां से दोस्तों डॉल्फ ज़िगलर कुछ समय के लिए हटते भी है, लेकिन वो फिर से वापस आ जाते हैं और वहां कोफी के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं दोस्तों जो बिगी है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, काफी ज्यादा भसड़ हो जाती है, रेफरी डिस्क्वालिफिकेशन की गारंटी वहां बजा देता है, मैच वहीं खत्म हो जाता है। जिसके बाद ये चीज देखने को मिलती है कि बिगी रिंग के अंदर जाते हैं और वो चीज कहते हैं कि तुम दोनों ही लड़ना चाहते हो तो क्यों ना तुम दोनों ही लड़ो, मैं और कोफी तुम्हें फेस करने के लिए तैयार है। यानी कि दोस्तों इसके बाद हमें टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला था। ये मैच होता है, मैच की शुरुआती क्षणों में दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि लोग काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं, ऑडियंस काफी ज्यादा चेयर अप करती है, लेकिन दोस्तों इसका रिजल्ट भी कुछ डिफरेंट तरीके से नहीं आता है, जहां फिर से दोस्तों वही चीज हो जाती है डिस्क्वालिफिकेशन वाली, जहां बिगी को किनारे लगा दिया जाता है और कोफी किंगस्टन को जकड़ लेते हैं डॉल्फ ज़िगलर एंड किंग कॉर्बिन। और वहां दोस्तों क्या किया जाता है, कोफी किंगस्टन के साथ वही हशर किया जाता है, उनके हाथ बांध दिए जाते हैं, वही रिंग पोस्ट पे लटका दिया जाता है जैसे रोमन रेंस को लटकाया गया था। वहां दोस्तों बिगी भी थोड़ा प्रतिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि द रिवाइवल भी वहां आ जाती है, जो कि बिगी को लगा देती है आउटसाइड शटर मशीन। उसके बाद दोस्तों हमें ये थिंग देखने को मिलती है कॉर्बिन वही डॉग फूड निकालते हैं रिंग के नीचे से, जैसे वो कोफी किंगस्टन के ऊपर फेंकने लगते हैं कि थीम बच जाता है बिग डॉग रोमन रेंस का। रोमन रेंस वहां आते हैं, सिक्योरिटी वाले उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन रोमन रेंस उन्हें पीटते पीटते पहुंच जाते हैं रिंग साइड के ऊपर, जहां दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड्स को पीटने के बाद वहां द रिवाइवल उनके ऊपर हमला करती है। द रिवाइवल से पिटाई खाने के बाद वो उन्हें रिंग के अंदर डाल देते हैं। रिंग के अंदर दोस्तों रोमन रेंस उठ खड़े होते हैं और द रिवाइवल के दोनों मेंबर्स को लगाते हैं सुपरमैन पंच। उसके बाद डॉल्फ ज़िगलर को भी सुपरमैन पंच लगता है कि पीछे से आकर कॉर्बिन कर देते हैं उनके ऊपर हमला, पीछे से हमला हुआ था तो रोमन रेंस गिर जाते हैं। जिसके बाद ये चीज देखने को मिलती है कि रोमन रेंस जैसे ही खड़े होते हैं वो वहां दोस्तों कॉर्बिन को दे देते हैं एक शॉट, कॉर्बिन बाहर गिर जाते हैं। उसके बाद रोमन रेंस क्या करते हैं कि उनका स्कैप्टर चक देते हैं वही डंडा, किंग वाला डंडा, और उसके बाद वो जैसे रिंग से बाहर निकलते हैं किंग कॉर्बिन को पीटने के लिए, उन्हें लगती है सुपर किक आउट ऑफ नोवेयर जो कि लगाते हैं डॉल्फ ज़िगलर। डॉल्फ ज़िगलर की किक से दोस्तों वहां रोमन रेंस धराशायी हो जाते हैं। जिसके बाद हमें ये चीज देखने को मिलती है कि द रिवाइवल के मेंबर्स भी उठ खड़े होते हैं और वहां दोस्तों वो दोनों उन्हें पकड़ कर लेटा देते हैं टेबल के ऊपर, अनाउंसिंग टेबल के ऊपर लटाया जाता है रोमन रेंस को। वहीं दोस्तों डॉल्फ ज़िगलर एक लैडर निकालते हैं, वो लंबी लैडर लगाते हैं और उसके ऊपर जैसे ही वो जाते हैं रोमन रेंस उठ खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं कि द रिवाइवल वालों को साइड करते हैं, उसके बाद खुद लैडर के ऊपर चढ़ते हैं और वहां से दोस्तों डॉल्फ ज़िगलर को लगाते हैं एक तगड़ा चॉक स्लैम जो कि लगता है अनाउंसिंग टेबल के ऊपर, टेबल जाता है टूट, लोग हो जाते हैं पागल और किंग कॉर्बिन वहां से भाग खड़े होते हैं। तो गाइस इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ। इसके बाद दोस्तों हमें चीज भी देखने को मिल गई कि रोमन रेंस ने काफी अच्छे तरीके से वहां जो कोफी किंगस्टन है उन्हें हथकड़ियों से छुड़ाया और वहां दोस्तों जो किंग कॉर्बिन है उनके आंखों में डर साफ झलक रहा था, रोमन रेंस उनकी आंखों में झांक रहे थे और इस तरीके से स्मैकडाउन का अंत हो गया। काफी मजा आया दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर और मुझे तो काफी बढ़िया लगा इस सेगमेंट। आपको कैसा लगा? रोमन रेंस ने ले लिया अपना बदला और अब दोस्तों TLC काफी ज्यादा हाइप्ड अप हो चुकी है। वहां भी दोस्तों एक TLC मैच ही होने वाला है किंग कॉर्बिन और रोमन रेंस के मध्य। किसे सपोर्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। पर गाइस आज की वीडियो इतनी ही थी, पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।